हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? भाई स्वागत है रिजिन राठी के व्लॉग में। तो आप सभी कैसे हो? और मैं भी अच्छी हूँ। मैंने कल का व्लॉग जो पोस्ट किया है उसमें थोड़ा रो रही थी मैं। अभी कुछ दिन ना मैं कुछ ऐसी बात नहीं करूँगी रोने वोने वाली, तो उसके बाद करूँगी पक्का है, कति पक्का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये ना शानू आज हमारे घर पे ही आई हुई है और हमारे पास ही सो रही थी, तो मैं थोड़ा सा काम कर रही थी अभी। और ये ना कनू के पास खेलने के लिए आई हुई थी, तो इसका घर जाने का मन नहीं था। फिर इसकी मम्मा तो थी नहीं यहाँ पे, ये अकेले ही रुक गई यहाँ पे, बोली मौसी मैं यहीं पे रुकूँगी। तो मैंने इसको यहीं पे सुला लिया अपने पास। ये बच्चे सो रहे हैं, कनु सो रही है, ज्योति सो रही है, अक्षित बाहर सो रहा है रूम में दादा के पास अपने। तो भाई सुबह के 3 बजने ही वाले हैं। मैं थोड़ा व्लॉग एडिट कर रही थी, काम कर रही थी, और देख लो भाई अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। अक्षित ने देख का आऊँ हूँ सही से सो रहा नहीं सो रहा है। तो भाई घर पूरा फैला पड़ा है क्योंकि इधर उधर आने जाने में लग रहे हैं, 2-3 दिन हो गए काफ़ी। रात को भी आज लेट ही आए थे हम वहाँ से, तो थक गए थे। वही बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 1 ही बज गया था सोने में। बच्चों को सुलाया, उसके बाद थोड़ा सा मैंने काम किया अपना, एडिटिंग की। बाहर रूम की लाइट बंद हो रही थी, फिर मैं वापस आ गई। ये आलू वाला व्लॉग है जो एडिट हो रहा है, जो आपने देखा होगा आलू वाले में। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? राम राम जी सभी ने, और आपके एक और नए व्लॉग में स्वागत है अपने नए व्लॉग में। इन दोनों बालकन देख लो एक बार, दोनों की चोटी देखो कितनी सुथरी लाग गए हैं दोनों की। दोनों दोनों सिस्टर हो क्या या अड़ोसन पड़ोसन? बता दो जल्दी से। जा सविता, मैं ये झाड़ूंगी एक बार चादर। सिस्टर है उधर मेरे कमरे में लगा दे तू पहले। सिस्टर सिस्टर हो दोनों? हाँ। अच्छा जी, क्या क्या कर लिया आपने सुबह मॉर्निंग में उठ के? दूध पिया। अच्छा, अब क्या कर रहे हो? खेल रहे। अच्छा, और कनु आप? शानू मैं ये भी खेल। अच्छा ये बताओ, दोनों मिलके खड़े हो जाओ। चलो, मौसी का ज्यादा प्यार करते हो मौसा का? दोनों वन का बताना है, मौसी एक का बताना है, नहीं तो फिर डंडे लगने वाले हैं। मौसी यू जल्दी बताओ। मौसी झूठी है? हाँ, आपके सामने मौसी बोलती है वैसे मौसा। तो अभी बालक हो गए रेडी ना धोके, और अभी सारी बात बताती हूँ इनके बारे में, ये क्यों आई हुई हैं और की मैटर चल रहा है घर पे। बालक ट्यूशन भी पढ़ के आ गए, और एक यो भी आ रहा है, इसकी गेल जो लड़ाई हो जाए, एक यो सौदा आ रहा करा। और भाई बच्चे ट्यूशन पढ़ के भी आ लिए हैं, 11 बजने वाले। मैंने थोड़ा सा काम करा था, नाश्ता करा, उसके बाद अपना ब्लॉग एडिट करा, थोड़ा सा काम रह गया था। बालक नहाए, कपड़े धोए, मशीन लगाई, बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ गए दोनों के दोनों। सुबह 7 बजे का टाइम था इनका। तो अभी पूजा आ गई, अपना काम निपटा कर घर का सारा। शानू तो हमारे पास ही सोई थी रात को क्योंकि कनु आई हुई है, और ज्योति इसलिए आई हुई है यहाँ पे, मैंने बताया तो, कि जो दीदी की सास गुजर गई है ना, तो इस वजह से ये आई थी उनके पीछे। और अभी रुकेगी 1-2 दिन और फिर चली जाएगी अपने घर, क्योंकि रात को हमें वहीं जाना होता है। जब तक तैयार भी नहीं हो जाती ना, जब तक मतलब हम डेली रात को या दिन में कभी भी जा सकते हैं, पर हमारा टाइम रात को ही मिलता है क्योंकि हस्बैंड जी डेरी से फ्री होते हैं। तो आते ही फिर ये थोड़े से मस्ती करने लग गए, और पूजा ने ड्रेस पहन के दिखाई, ये ना गाउन सा है ज्योति लेके आई थी, तो मुझे बहुत पसंद था। पूजा बोली मैं पहन के दिखाती हूँ दीदी, और ज्योति हमारी वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा वीडियो मत बना तू ऐसे, अच्छा नहीं लगता। अभी अच्छे से तैयार भी नहीं हो रहे, तो बोली पोस्ट करूँगी। मैंने इसको धमकाया, मैंने कहा ऐसे मारूंगी तेरा अगर पोस्ट करी तो मेरी वीडियो। वहाँ ना काई भी और थी, नाम उसे चढ़ी थी, खड़ी भी हो जाती। देखो भाई ज्योति पढ़ा रही है अक्षित को, कल मैथ का पेपर अक्षित का, पहले ट्यूशन पढ़ाए बच्चे, बकवास करे जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ छोटा सा नाइट बल्ब जला रखा है, इसमें पढ़ा रही है, काफी अच्छा दिख रहा है नहीं बच्चों को? बकवास ना करे। तो अभी सारी ये बात बताऊ आप सभी को, के बात करो करेंगे वर्कआउट, फिर मारेंगे सपाटे, फिर करेंगे रस्से, फिर खोलेंगे खड़ा काम कर। तो भाई आज दूध की साइकिल यहाँ खड़ी कर रखी है हस्बैंड जी ने, अपने दूध बेच का अपनी साइकिल यहाँ खड़ी कर दी है। तो और आज तो वही है,
हस्बैंड जी सो रहे हैं, ये रखे हैं मोबाइल, ये मजे से सो रहे हैं। ज्योति पढ़ा लेगी बच्चा ने, और ये गुड़िया बर्फ के कटोरे पूरे पूरे भर के दरिए, तीनों कटोरे लगा दिए हैं, तीनों कटोरे लगा दिए, अच्छी तरह दो दो भर ले। ये भाई थोड़े कपड़े सूख रहे हैं, कुछ ऊपर सूख रहे हैं, और यहाँ पे बन गई है अपनी कोल्ड कॉफी, जो तीनों कोल्ड कॉफी बनाई है, ढक के धरनी भी होता है कुछ सामान, ढकया नहीं। एक में दाल बनी है, एक में पापा की खिचड़ी बनी है, पापा की खिचड़ी जाएगी अभी छुटमलपुर, दही जमा दी इधर। लो भी अपनी कोल्ड कॉफी, देखो जी एक पेट और आ गया घर पे, ये है लेब्रा, है ना, ये इसकी फीड रखी है, वो उधर पानी रखा है, बर्फ का पानी दिया इसको, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है। तो बुंजो ये बर्फ डाल रखी इसके पानी में, और जो खूंखार है जो के वो बाहर है, डबू डबू वो पता नहीं कहाँ है, बाहर डेयरी में फिर रहा है। तो दोनों का साथ नहीं छोड़ सकते, ज्यादा लड़ाई करते हैं। आज दो पेट हो रहे हैं, घर साफ सुथरा हो गया है, ये ज्योति की गाड़ी खड़ी है, आज बाहर की बेडशीट भी सारी दो रखी हैं, साफ सफाई हो रही है, और नैना घर पे नहीं है, हमने खुद करी है सारी सफाई, गेट वेट बंद कर दिया। दाल चावल बने वैसे तो खाने में बच्चों के लिए, आज चटकनी लगा के आई, चटकनी और ये कोल्ड कॉफी, पेन ये पी उल्टा बनाया, उल्टा पी बनाया, देखो मेरा वर्क, हाँ नो पेन ली दिया, ठीक है अब लिखो टेन टेन टू सितार, बता इसे सितार लिखेगी, सितार सानू लिख देगी, बोलिए अब लिखो तार, ता आ इसके बाद, इसके बाद सितार, सितार सितार, हाँ लिख लिख दिया सितार, उसकी स्लिपिंग लाइन का भाई साहब बढ़िया सा। एक और चीज बता दे, इसी चीज बता दे जिसके बारे में खोजबीन पूछे, गिटार तो लिख दिया, अब लिख तू ओहो बीन नहीं होती वो जिसमें सांप पकड़ा जाए अगर उसने, पिटारी 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 लिखो, पिटारी पहले लिखो, यहाँ पे तो जगह भी नहीं है ना, जगह इधर जा, तू मत लिख खैर जा, पिटारी क्या होती है, पिटारी मम्मा से पूछ तो लो, पिटारी क्या होती है, अरे नहीं हिंदी में, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं, मम्मा मेरे को ये नहीं करना, लिखना है पी, पी कैसे लिखोगी, प और जैसे ई की मात्रा यहाँ है, चल टमाटर लिख दे फिर, अच्छा टमाटर लिख दे, ये तो आपको लिख रहा है, तेरा काम पड़ा है लड़की, हम नहीं करेंगे टमाटर, टमा अरे मैं आपके बीच में, हाँ हाँ लिख टमाटर, टमाटर वेरी गुड, अब उसकी स्लिपिंग लाइन घूम रही, रजनी लिखिए, रजनी रजनी ना आता है भी लिखने, रजत लिख दे, रजत रजत हैं, हाँ जो न रजन रजनी रजनी, और मोसा रजत, मोसा का क्या नाम है, तो गए थे ना स्पीड में बता दो, मोसा का नाम बताओ आप, इस टाइप के एक ही मात्रा है, मोसा का नाम नहीं पता, मोसा का नाम क्या है, मेरा है शानू, मोसा का नाम बताओ, चुन्नू के पापा का, चुन्नू के पापा का
हाँ हाँ बता दो, कोई हंसने की बात नहीं है, मारूंगी नहीं। पेंसिल मत चला देना कहीं पे भी, सोफे वोफे पे भी, यहाँ पे पेंसिल हाथ में रखो। मौसी क्या बोलती है? मोनू। हाँ, आपको भी नहीं पता मौसा का नाम। और दूसरा नाम क्या है? हस्बैंड। ए क्या है? हस्बैंड। मनित कुमार, मनित चौधरी लिखे। तो भैया हस्बैंड जी का नाम एक तो मोनू है, एक मनित चौधरी है। मनित MANIT मनित चौधरी। बच्चों को नहीं पता। आपका भी रहस्य पढ़ते हैं और मेरे पापा का भी रहस्य। जितने रह वाले ना सारे नाश करने हुए है ना, हुआ ना। रह देख किससे की राशि नहीं मिलती, जिनकी राशि थारी गेल मिल ले रहा। जिन देखो दोनों की शादी हो रही है, रजत और राजेंद्र दोनों के हस्बैंड के नाम है। और इनका बड़ा हस्बैंड मैं हूँ दोनों का, रजनी। जिसके काबू में दोनों आ जाए। बैग लिखो, बैग लिख के दिखाओ जल्दी, देखते हो कौन पहले लिखेगा। घना शोर कर रहे हैं, बदतमीजी कर रखी है कमरे में, तो चुप हो जाओ इवना, प्लीज शोर मत करो। तो भी पता है ज्योति क्यों आई हुई है और हम सब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? जो मेरी सासू की भाभी है ना, वो मेरे मामा की लड़की है। तो आप समझ रहे हो, मेरी सासू की जो भाभी है मेरे मामा की लड़की है। तो जो मेरी मामा की लड़की, उनकी सास मेरी सासू की चाची लगती थी, मतलब जैसे उसकी है चाचा की लड़की, चाचा के लड़के का मतलब मेरी मामा की लड़की की शादी हो रही है। तो वहीं पे जा रहे हैं अभी आज, तो हम इसीलिए ज्योति आ रही है यहाँ पे। और ज्योति कल जाएगी, उनका जो है कुछ काम कुम निपटवा के, मतलब ज्योति ना अभी रुक गई थी, वैसे राजेंद्र भी आया था तो ज्योति यहाँ पे इसलिए रुक गई। ज्योति को थोड़ा सामान लेकर जाना है, एक तो ओवन लेना है ज्योति को, और ऊपर से लैपटॉप भी लेकर जाओगी ये ना वो कर। हाँ इतना हमने बेरा है, बेमतलब ना रुकिया करती, मतलब तो रुकी है यो। चुप हो जाना शानू, लैपटॉप लेके जाओगी ज्योतिषाबाद, क्योंकि इसने जरूरत है। तो भी आज खाने वाने का सब का काम निपट गया है, बैक टू बैक आपके वहाँ मेरे 2-3 व्लॉग भी मिल गए होंगे। और पता नहीं ये फुंसियाँ होगी चेहरे पे, पिछले साल तो मुश्किल से बचे थे, अब ये और हो गई है। इतना ना ड्राइनेस आ जाती इन दिनों में स्किन पे। एक जनी कह रही थी आपके ओठ कितने काले हैं, नीले नीले काले हैं। तो भी अभी ना सब सो रहे हैं, नहीं हस्बैंड जी सो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सारा काम वैसे निपट गया। मैं हमने मशीन लगाई, कपड़े धो रहे हैं अभी, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े वपड़े तय करके निपटा के शाम को वहीं जाना है हमने थोड़ी देर बाद। तो इसलिए अभी थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर ले मैं, और व्लॉग पोस्ट करूँगी मैं अपना, तो दिखाते हैं अभी पापा खिचड़ी जाएगी चितमलपुर। लो जी बच्चे जो है पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और मैं यहाँ पे पापा के जो है कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि पापा भी वहीं जाएंगे दीदी के घर पे ही। जब तक तैयार भी नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही मतलब जाना पड़ेगा रात को भी, और जब टाइम मिलता मतलब चले ही जाते हैं। तो यहाँ पे आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, और क्योंकि हमारी मोटर ख़राब हो रही है, मोटर नहीं मतलब मोटर जो बोरिंग है ना वो ख़राब हो रहा है, उसकी जाली वगैरह फट रही है। तो हस्बैंड जी भी बहुत परेशान हो रहे हैं, तो एक बार देख लो आप क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। ऊपर करके क्या करोगे जब यहीं से रेत आ रहा है? देखिए कितना रेत पड़ा इसमें गिलास में, नीचे वो दिख तो रहा सारे में रेत रेत चल रहा है। क्या करोगे अब? कौन सा मिस्त्री? तो अभी यहाँ पे बच्चे सबको खाना खिला रहे हैं, और मैंने इनको बोला था कि भाई हमें जाना है तो फटाफट सब खाना खा लो, और हम भी खाना खा के ही जाएंगे। तो हमने रायता, लौकी का रायता, दाल चावल बना रखे हैं,
बच्चों ने जिसका जो मन था वो खाया है। ये बुआ का पोता है वह है, और एक और है बड़ा पोता, तो इनका मन यहीं पे लग रहा है। बुआ गई हुई चाचा के घर पे रुकने के लिए, क्योंकि सासू माँ वहाँ पे हैं, दीदी के घर पे जो है गई हुई हैं, अपनी पियर गई हुई यानी। तो भाई यहाँ देखो ये बुरा हाल हो रहा है सारा। पानी चलाया हस्बैंड जी ने काफ़ी देर मोटर के साथ, मतलब मेहनत की है पाइप वाइप लगा के और पता नहीं क्या क्या किया, काफ़ी देर पानी चला के छोड़ा है, तो थोड़ा पानी साफ सा आया। पहले ऐसे पानी आने लग गया था, देखो टैंक में से ये पानी आने लग गया था सभी टंकियों में, इतना गंदा। तो अभी पूरा टैंक गंदा हो गया है, क्योंकि जो मोटर ने पानी गंदा निकाला है ना, तो टैंक के अंदर घुस गया है। मैं करवा दूंगी, जा तू रोटी खा ले, वो रोटी खा रहा है ठीक है। कुछ लेना हो पानी पुनी ना, वो ले लिए हैं, रोटी अंदर से ले आई आंटी से। पूरी छत पर पानी है, पानी हो रहा है, रेत रेत, और बेचारे लग रहे ऊपर धोने। सारी टंकी खराब हो गई इसकी वजह से, ज्यादा मिट्टी हो रही थी क्या ऊपर? इधर लाइट भी नहीं है, एक ही तरफ लाइट जल रही है। ये देखो जी, जिंदगी जब तोबा बुलवाती है ना, ऐसे ही बुलवाती है जिंदगी। रजत 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 आजा, आ गई ज्योति, और ज्योति तो बच्चे ना होंगे सुबह, लैटरिन बाथरूम भी जाना पड़ेगा, दुखी हो गए। हाँ सही दे रहा है पानी है, दो रहे हैं अभी तो टैंक ने। लो भी हस्बैंड जी ने टैंक साफ कर दिया और थोड़ा बहुत पानी चलने लग गया है। जो रेत वेत आ रहा है वो नीचे बैठ जाएगा, पानी तो भरना ही है। देखो बच्चे सुबह स्कूल भी जाएंगे, तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ पूजा के घर पे ही, हम एक एक करके वहीं पे नहा के आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत रेत उठा रही है मोटर बहुत ज़्यादा। और ये पूजा भी तैयार हो गई है जाने के लिए, सब खाना वाना का काम भी निपटा दिया पूजा ने, और मैं नहाने के लिए मैंने इसको बोला था कि पानी चला दे फटाफट, लेट हो गए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया टैंक वैंक साफ़ करवाने में। और तो भाई हम फिर वहाँ से सीधे वहाँ जाके, मूड इतना ख़राब था बहुत ज़्यादा, वहाँ से जाके फिर रात को भी आ गए शानू कारे चक्कर से, सो के उठी अभी नींद आ गई थी से, गाड़ी में से उतरी है तो अपने घर जा रही है। ये पहले हम डेविल को छोड़ देते हैं, टाइम ऐसा हो गया था 11:30 बजे के करीब, रजत भी गया था साथ में, पूजा जो थी हम सब जने गए थे वहीं पर। और अभी बुंजो को बांधा है, बुंजो को खुला छोड़ रखा था, और डेविल को जो है अब छोड़ दिया है। और ये अक्षित पैक कर रहा है अपनी मौसी के लिए लैपटॉप, क्योंकि ज्योति सुबह ही जाओगी, दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है दिमाग में, क्या होगा क्या नहीं। अब इतने फिर से मतलब हर महीने में ना इतना नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी इनकम नहीं है जितना नुकसान हो रहा है, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, मूड की बैंड बजी पड़ी है। तो जी सब जने सोने की तैयारी कर रहे, जो थी सुबह जाओगी। 1 2 3 4 लो भी आज ना बहुत थक गए हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं, हालत तो आपने देख ली होगी, बेकार लग रहा बहुत ज्यादा। अब 50,000 का खर्चा आ गया कम से कम, पता नहीं क्या क्या हो के रहेगा, मेरा घर में एक दिन शांति से नहीं जाता एक दिन भी, हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे बस कुछ दिनों में, हमारा दिमाग कितना खराब हो लिया बहुत ज्यादा। हाय एवरीवन, गुड नाइट, हमारी तो बैड नाइट है।